वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको कॉमन लाइन इफेक्ट पे मैंने लेक्चर को खत्म किया था। वहां पे मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, लास्ट इक्वेशन देखिएगा वहां पे। तो वहां पे मैंने बाय मिस्टेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया था, वो करेक्ट कर लीजिएगा, वहां अमोनियम क्लोराइड होगा क्योंकि अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिकम्पोज कर जाएगा। वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते क्योंकि वो भी तो हमारा वीक बेस है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। या तो आप अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए या आप NaOH भी ले सकते हो। अगर NaOH अगर आप लोगे तो OH माइनस आयन यहाँ पे रोल प्ले करेगा कॉमन आयन का, ठीक है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा, वो गलती से हो गया था। आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करूंगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वही न्यूमेरिकल, उसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल है। तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे अप्लाई करना भी जरूरी होता है, केवल पढ़ लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, अप्लाई करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में। तो चलिए देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो भी गिवन है वो लिख लीजिए और फिर उस पे दिमाग लगाइए कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं अननोन को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड इफ इट्स के इक्वल टू इतना। मतलब देखो, जो पहले गिवन है वो लिख लो, मैं तो हमेशा यही करता हूँ, यही अप्रोच है, पहले जो भी गिवन है वो लिख लो। तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है एसिटिक एसिड की, तो कॉन्सेंट्रेशन तुम लिख लो, एसिटिक एसिड की कितनी गिवन है, 0.02 मोलर गिवन है तुम्हें। तुम्हें के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू तुम लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो फिर क्या बोल रहा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि तुमसे अल्फा की वैल्यू पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, What would be the degree of ionization if the solution also contains 0.01 molar sodium acetate? तो फिर अल्फा की वैल्यू पूछी है आपसे, जब आप में सोडियम एसिटेट को डाल दोगे, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की सोडियम एसिटेट को डालने के बाद अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब हम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसका कॉमन आयन पहले वाले से मैच होता है तो वहां पे अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए वो उससे कम आएगी। चलिए देखते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने अल्फा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई सी। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आइए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप नहीं देखोगे। तो अल्फा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई सी, जब आप इसमें पुट करोगे तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, अल्फा की वैल्यू हमें हमारी आएगी 3 × 10⁻²। जब आप के की वैल्यू पुट करोगे और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करोगे तो हमारा अल्फा इतना निकल के आएगा। ये पहला पार्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पार्ट पे ध्यान देते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा। देखो, जब तुम सोडियम एसिटेट उसमें डाल दोगे तब अल्फा कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है और यही यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाता है। तो देखो, तुम एसिटिक एसिड की पहले इक्वेशन लिख लो। चलो एसिटिक एसिड की इक्वेशन लिख लेते हैं कि जब वो हमारा आयोनाइज होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन ध्यान से लिखना, ये इक्वेशन हमारी बनेगी, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो तुम इसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमें गिवन है, एसिटिक एसिड हमारा 0.02 मोल गिवन है, 0.02 मोल गिवन है। तो हम इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं कि कुछ x मोल डिसोसिएट किया होगा, ठीक है। x मान लेते हैं हम लोग, x यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू फ्री अल्फा है, मैंने आपको बताया है पहले, प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा। तो फिर ये भी हमारा एक्स होगा और ये भी हमारा एक्स होगा। चलिए k की वैल्यू लिखते हैं, इसकी k की वैल्यू लिखते हैं, k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन लिखिए। सब कुछ मैं बता चुका हूं आप लोगों को, k की वैल्यू लिखना बता चुका हूं, पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन करके दिखा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर आप लोग जाके जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। k की वैल्यू लिखते हैं, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, सोडियम एसिटेट जब डालेंगे तब क्या होगा, तो सोडियम एसिटेट की भी हम लोग लिख ही लेते हैं इक्वेशन।
सोडियम एसीटेट की इक्वेशन लिख लेते हैं। सोडियम एसीटेट जब डिकम्पोज करेगा तो हमारा ये फॉर्मेशन होगा, एसीटेट आयन और Na+ बनेंगे। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, 0.01 मोलर इनिशियल तुम्हारी दी हुई है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा 0.01 मोलर बनेगा और ये भी तुम्हारा 0.01 मोलर बनेगा। अब तुम्हें देखना है कि एसीटेट आयन कितने हैं, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन निकाल लो, इधर साइड में कर देता हूँ। टोटल जब आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुम एसीटेट आयन निकालोगे तो ये होगा, एक तो हमारा ये होगा 0.01 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तुम गौर करना, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये चीज गौर करने की है, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत कम डिसोसिएट होगा, बहुत कम, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x बहुत छोटा होगा 0.01 से, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि ये 0.01 के बराबर होगा, इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं x को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं देखो ये तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारी एसीटेट आयन की, अब हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, तो इसकी देखो कितनी है, 0.02 माइनस एक्स है। मैं अभी बता रहा हूँ कि एक्स बहुत छोटा होगा, तो हम 0.02 से बहुत छोटा होगा, तो हम एसीटेट आयन की भी हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी हम लिख सकते हैं कि 0.02 ही होगी, क्योंकि एक्स हमारा बहुत छोटा है, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो के में पुट करो, हमें ये मिल गया है, हमें ये मिल गया है H3O पॉजिटिव, हमें पता है X है, X की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए, तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान देते रहिएगा ब्लैक बोर्ड पे, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू हम एसीटेट आयन की है 0.01 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.02। के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू कहाँ है, के की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है, तो तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू हमारी आएगी 3.6 × 10⁵ मोलर, ये मैं निकाल चुका हूँ, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। एक्स की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, जब एक्स की वैल्यू इतनी आ गई तो तुम अल्फा इजिली निकाल सकते हो, बताओ कैसे निकालोगे अल्फा, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया, तो x यहाँ पे क्या है, c अल्फा, तो हम लिख सकते हैं c अल्फा इक्वल्स टू x की जो वैल्यू आएगी, मतलब 3.6 × 10⁵ लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लोगे 3.6 × 10⁵ लिखोगे, और कॉन्सेंट्रेशन हमारा गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलर है। ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एसिटिक एसिड की लेंगे, एसिटेट सोडियम एसीटेट की नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं H3 पॉजिटिव, यहाँ से फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 0.02 करेंगे, तो अल्फा हमारा कितना आएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1.8 × 10⁻⁴ आएगा, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो तुम एक चीज गौर करना, जब हम यहाँ पे कॉमन आयन, मैं जब यहाँ पे सोडियम एसीटेट हम नहीं डाल रहे हैं, तुम्हारी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, 3 × 10⁻², है, पर जब हम इसमें सोडियम एसीटेट को डाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी अल्फा की वैल्यू कम हो जा रही है, अल्फा की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁴ हो जा रही है। तो वही जो मैंने कल आपको बताया था थ्योरेटिकली, आज मैं एक्सपेरिमेंटली दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल के थ्रू दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारी अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है जब हम कोई भी कॉमन आयन डाल देते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है, कोई भी कॉमन आयन का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को। इक्वेशन लिखिएगा अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिएगा, अगर नोट करना है तो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आयनिक कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं वाटर का, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आज मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, काफी टाइम लेके मैं बताया हूं आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अल्फा का ही यहाँ पे रोल है, अल्फा कैसे निकालते हैं, पहले वाले पार्ट में तो इजीली हमारा अल्फा निकल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन आयन आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो देख लिया जाएगा। वैसे ही अगर बेसिक सॉल्यूशन का दिया जाएगा तो वहां पर भी निकाल लीजिएगा, फिर बाद में मैं और न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा धीरे धीरे चैप्टर खत्म करने के बाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो चलिए देखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं। सपोज करो आप H2O को, H2O जब टूटेगा तो हमारा H पॉजिटिव और OH- देगा,
ठीक है, ये हमारा बनता है। तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया था कि के की वैल्यू जो इसकी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो हमारे तरफ ये जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही टेंड करता है, तो बहुत कम डिकम्पोज होगा, बहुत कम यहाँ पे टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस में, बहुत ही कम। तो इसकी के की वैल्यू जब लिखोगे तुम, इसकी जब के की वैल्यू जब तुम लिखोगे, ठीक है के की वैल्यू लिखते हैं चलो, तो के की वैल्यू कितनी होगी इसकी, के की वैल्यू हम लिख सकते हैं एच पॉजिटिव, ये हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना एक्वस मीडिया इन्वॉल्व है, H2 हमारा लिक्विड में है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ये H2 हमारा इधर की तरफ आएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन तुम्हारी बनेगी। अब K इंटू H2 दोनों कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको एक नया कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, KW लिख देते हैं, के ओमेगा बोलते हैं, KW लिख दो। तो इसी को तुम बोलते हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यही हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल दो। तो ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया। देखो हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं, एट 298 केल्विन में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर है, ठीक है। तो जितनी एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगी उतनी ही तो तुम्हारी OH नेगेटिव की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि जितना एच प्लस लिबरेट होगा उतना ही तो OH माइनस भी होगा, 1:1 रेशियो में है। तो जितनी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, तुम KW की इक्वेशन पे यहाँ पे पुट कर दो। KW पे जब तुम पुट करोगे तो 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर, फिर इंटू में चला जाएगा 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर, जब तुम इंटू करोगे इसको तो हमारा कुछ इस तरीके का इक्वेशन आएगा, 1×10⁻¹⁴ मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2। ये हमारी वैल्यू होती है के डब्ल्यू की, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ध्यान देना ये हमारा कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट 298 केल्विन की बात कर रहा हूं, अगर टेम्परेचर तुम चेंज करोगे, टेम्परेचर अगर तुम चेंज कर दोगे ना तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, के डब्ल्यू की वैल्यू 1×10⁻¹⁴ नहीं होगी। तुम टेम्परेचर चेंज करोगे यहाँ पे तो के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे और कोई एसिडिक सॉल्यूशन मान लो ऐड कर देते हो वाटर में तो तुम्हारी एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने आप को इस अकॉर्डिंग चेंज करेगा लीच चेटेरियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मान लो तुम कोई एसिडिक सॉल्यूशन अगर यहाँ पे ऐड कर देते हो तो एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू लीच चेटेरियस प्रिंसिपल, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। के डब्ल्यू की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन है कि तुम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर देते हो तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, हमारा इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखना पर KW के वैल्यू में चेंज नहीं होगा जब तक तुम टेम्परेचर 298 केल्विन की बात कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, KW से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं कि अल्फा कितना होगा हमारा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि H+ और CaOH- तो बराबर है हमारे, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू C अल्फा, पहले रिएक्शन में जैसे किया था वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको। तो हम यहाँ पे जब ये लिख एच पॉजिटिव का तो सी अल्फा लिख देंगे तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे बता रहा हूं, अल्फा इक्वल्स टू एच पॉजिटिव बाई सी, ऐसे लिख सकते हो। एच पॉजिटिव मैंने आपको अभी बताया कि 1×10⁻⁷ है, तो अल्फा की वैल्यू तुम इजीली निकाल सकते हो मोल पर लीटर, और मैंने बताया है। अच्छा और कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है वाटर की, अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो 55.55 मोल पर लीटर होती है। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए होगे, पहला ही चैप्टर है 11th का, अगर नहीं पढ़े हो तो जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे होता है ये 1000/18 डिवाइड करने से होता है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में बता दूंगा। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू तुम्हारी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 1.8×10⁻⁹ तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आएगी। अल्फा की वैल्यू मिल गई है, अब तुम के ए निकाल सकते हो। के ए कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला है, घूम फिर के ए की फॉर्मूले पे हम लोग बार बार आएंगे।
तो देखो तुम्हारा फी हमें पता है 55.55, अल्फा की वैल्यू तुम फाइंड कर चुके हो 1.8 इनटू 10 की पावर माइनस 9 का स्क्वायर कर दोगे तो के की वैल्यू भी आ जाएगी। के की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 1.8 इनटू 10 की पावर माइनस 16, ये हमारी आएगी के की वैल्यू। आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। अब एक रिलेशन होता है के ए और के डब्ल्यू के बीच में, एक रिलेशन होता है, चलो ये रिलेशन भी देख ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ए की इक्वेशन ये है, के डब्ल्यू की इक्वेशन ये है, तो तुम एक चीज गौर करना इस इक्वेशन पे मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जवाब नहीं कर रहा हूँ अभी, तो पहले मैं इसको पूरे कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूँ इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस है। तो के देखो के क्या है, के की वैल्यू उसमें रिलेशन में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो के को लिख देंगे के इंटू एच टू ओ, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, यहाँ पे एच टू ओ की कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में बताया हूँ 55.55 मोल पर लीटर, तो तुम 55.55 मोल पर लीटर लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा के डब्ल्यू है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये लिख सकते हो, यही रिलेशन है के और के डब्ल्यू का, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छे से, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यही पूरा कंसेप्ट है, हमें किस तरीके से फाइंड करना है, रिलेशन याद रखिएगा, वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है N298 के लिए। तो ये पूरा होता है यहाँ पे खत्म, कंसेप्ट में आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत आज मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत, देखो जब मैं क्लास 11th में था तो मुझे सबसे ज्यादा टफ चैप्टर लगता था आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता था उस टाइम पे, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं कि हर एक बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है तभी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाइएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, एक रिलेशन आता है के ए और के बी का रिलेशन आता है, चलिए रिश्ता भी देख ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं। तो के और के डब्ल्यू का तो हमने देख लिया, ये हमारा के और के डब्ल्यू का होता है, के और के बी का रिलेशन भी देख लेते हैं, सपोज करो कोई बेस है तुम्हारा, अच्छा चलो पहले मैं बताया था कंजुगेट है, बेस पे मैं बता चुका हूँ आप लोग को, लेक्चर आप देख लीजिएगा, अभी इसका कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। चलो कोई बेस है मान लो, सॉल्यूशन पे लिक्विड है ये हमारा बेस है, चलो इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है ध्यान देना ये हमारा बेस है, इस बेस के लिए ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, मैंने आपको बताया था कि कोई बेस होता है अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारा यहां पे बनता है प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनता है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिया हूं मैं, पहले लेक्चर जाके देख लीजिएगा जो नहीं देखे, आई बटन पे लिंक दे दूंगा मैं। तो ये चलिए इसके लिए हमारी केबी की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि हमारा बेस लिया गया है तो केबी आएगा, मैंने कल बताया था ये बेस को डिनोट करता है, तो जब तुम केबी की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे तो केबी की वैल्यू तो ये होगी ना हमारी, केबी की वैल्यू ये होगी, H2O को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एक्वस मीडिया है, लिक्विड इन्वॉल्व है, बार बार बता चुका हूं कि H2O को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देखो ये हो गया तुम्हारा बेस का आयोनाइजेशन, अब हम लोग ये करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ बेस, तो तुम्हारी केबी की वैल्यू आ रही है यहां पे, अब हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, अब इसका आयोनाइजेशन कराएंगे वाटर में, आयोनाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की बात करते हैं, उसके लिए हम लोग के ए की वैल्यू निकालेंगे, जब इसका तुम आयोनाइजेशन करोगे वाटर में, जब तुम इसका आयोनाइजेशन करोगे वाटर में तो क्या बनेगा हमारा, इसका जब तुम आयोनाइजेशन करोगे तो हमारा H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस B नेगेटिव बनेगा, यही तो बनेगा ना हमारा, सॉरी B,
अब क्या होगा, इसकी हम केबी की, हम इसकी के की वैल्यू लिखेंगे, तो एच थ्री ओ पॉजिटिव बी एच, यहाँ पे सेम वाटर को नहीं लेंगे हम लोग, वाटर को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे के ए और के बी को इंटू कर देते हैं, के ए और के बी को जब इंटू करते हैं, चलिए के ए इंटू के बी करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये हमारा आयोनाइजेशन ऑफ बेस है और ये हमारा आयोनाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है, इस बेस के लिए, इस बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड है, उसी का आयोनाइजेशन कर रहे हैं। जब तुम इंटू करोगे के ए इंटू के बी इंटू करते हैं, चलो एच थ्री ओ पॉजिटिव इंटू बी एच पॉजिटिव इंटू करो, यहाँ स्पेस की कमी है तो आप लोग देख ध्यान देते रहिएगा, ब्लैकबोर्ड से ध्यान हटाओगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ब्लैकबोर्ड से ध्यान मत हटाना बिल्कुल भी। चलो जो कैंसिल हो रहा है टर्म उसको कटन कुट कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया है, ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या है देख लो, एच थ्री ओ पॉजिटिव बच रहा है यहाँ पे, ओ एच नेगेटिव बच रहा है, ध्यान देना ये हमारा क्या है, ये तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। तो तुम रिलेशन देख सकते हो के और के बी का बीच में क्या रिलेशन है, के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज गौर करने वाली बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे तुम्हारा H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू OH नेगेटिव हो जाता है। कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, तुम एसिड लाके डाल दिए हो तो H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो जाएगी, इस तरीके से। अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, जब कोई बेसिक सॉल्यूशन डाल दोगे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो जाएगी, बट हमारा K W हमारा हमेशा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमेशा ही कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW भी चेंज होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करता है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की जाती है, 298 केल्विन पे होता है, अगर मैं कभी नहीं बोलूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा ऑफर डाइल्यूशन का भी हमारा 298 केल्विन पे है, वहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो उसकी लिमिटेशन भी बन जाती है कि टेम्परेचर वहाँ कॉन्स्टेंट है। तो ये सब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।